आज जो छोटे छोटे बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, किडनियां खराब हो रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तो फैक्ट्रियों का है और दूसरा सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो आजकल बच्चों को फास्ट फूड की तरफ ले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स जल्दबाजी में उनके टिफिन में या तो चाउमीन रखेंगे या बर्गर रखेंगे या तरह तरह की डिशेस बनाकर रख देते हैं, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां पर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पर खाद्य विभाग ने 6000 किलो केमिकल युक्त सिवैया यानी कि चाउमीन और 200 किलो टमाटर सॉस पकड़ा है और उसको पूरी तरह बैन भी कर दिया गया है। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मार्केट में ये चीजें आती हैं तो वो कहां से आ रही हैं? फैक्ट्रियों से आ रही हैं और फैक्ट्रियों में केमिकल युक्त चाउमीन तैयार की जा रही है, केमिकल युक्त सॉस तैयार किया जा रहा है। वही आप अपने बच्चे के लंच में, वही आप अपने बच्चे के डिनर में, वही आप अपने बच्चे के नाश्ते में, हर जगह आप उसको खिला रहे हैं, मार्केट में भी खा रहे हैं। तो ये आपके बच्चों के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है ये आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक स्कूल में गया जहां पर जब मैंने बच्चों का लंच देखा तो वहां पर कोई भी हेल्दी फूड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया। इस तरीके के फास्ट फूड को अवॉइड करें। अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं तो निकट भविष्य में आप अपने बच्चों के लीवर खराब करने में, किडनी खराब करने में आप ही जिम्मेदार होंगे। मेरी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल के सामने एक लंबी सी लाइन में खड़े होंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, मेरी गलती थी या नहीं थी या मुझे क्या करना चाहिए था। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद।